पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, राहुल गांधी जी उनको गले लगा रहे हैं। मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जी, मोदी के अलावा कोई नहीं बनेगा। अरे ये क्या उखाड़ेंगे, खुद उखड़े पड़े ये 70 साल से, क्या करा इन्होंने? केजरीवाल कट्टा बेईमान है और जेब फाड़ के कुर्ते की लाता है, बोलता है मेरी तो जेब फटी है, क्या तरीका है ये पीएम तो क्या, मुझे लगता है ये किसी छोटे पद के लायक भी नहीं है। जो काम कहा है वो करके दिखलाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में, मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। आज हम लोग मौजूद हैं बाराखंभा रोड के पास और यहां पर मेरे साथ कुछ ऑटो वाले भाई लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्योंकि आपको पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चयन होना है। तो हम ऑटो वाले के पास आए हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका चुनावी मूड क्या है, पूछेंगे और जानेंगे कि 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। सर, सबसे पहले आपका क्या नाम होगा? शैलेंद्र शर्मा। शैलेंद्र जी, कब से आप दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं? मेरे को 35 साल हो गए हैं दिल्ली में ऑटो चलाते हुए। और मैं 35 साल से दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चला रहा हूँ। ऑटो चला रहे हैं आप, तो क्या लगता है 2024 में कौन आ रहा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए, आज भारतवर्ष के अंदर वैसे तो कई प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक जो हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं उनकी आगे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं है। मोदी जी के अलावा आज देश के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है जो इस देश को अच्छी तरीके से चला पाए। आप बोल रहे मोदी जी बनेंगे, लेकिन देश की जनता बोल रही है कि देश में महंगाई बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, महंगाई कहाँ बढ़ी है, कहाँ है महंगाई, मेरे को आप बता दीजिए। ऑल ओवर वर्ल्ड में देखिए जाकर के, ऑल ओवर वर्ल्ड में जाकर के देखिए, आज हमारे देश की स्थिति बहुत मजबूत है। आसपास की कंट्रियों में चले जाइए, खाने को नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। आज आप भारतवर्ष के अंदर, पूरी देश के अंदर अगर आप कहीं देखते हैं, कहीं पुल बन रहा है, कहीं सड़क बन रही है, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, रोजगार मिल रहा है। हाँ ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सबके दाम बढ़ते हैं, लेकिन ये देखिए दुनिया में क्या हालत है। उस स्थिति में आज हमारा देश बहुत मजबूत है। आज देश के अंदर आज सब लोग कहते हैं महंगाई है। आज मैं जिससे बात करता हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ भाई साहब, कोविड के बाद मैं कह रहा हूँ किसके हाथ में 20,000 से कम मोबाइल फोन नहीं है, किसके घर में वाईफाई नहीं लगा है, आज 1 लाख रुपए से कम मोटरसाइकिल नहीं है। हम मजबूत हैं तभी तो ले रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ता या देश की जनता बोल रही है कि राहुल गांधी युवा हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, आपको क्या लगता है बन सकते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, वो तो कांग्रेस छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं, भारत कहाँ जोड़ना है, भारत तो जुड़ा हुआ है। माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत को एक सूत्र में बांधा था, तो वो तो आज नजर आ रहा है ना, भारत कहीं से टूटा नहीं है। राहुल पीएम नहीं बन पाएंगे? राहुल जी पीएम तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन एक सुनहरा सपना जरूर उन्होंने देखा हुआ है कि आज वो दाढ़ी बढ़ा करके रोड पे निकल रहे हैं, उस छात्रा को गले लगा रहे हैं, अभी आपने देखा होगा, उस छात्रा को गले लगा रहे हैं जिसने ओवैसी के मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, राहुल गांधी जी उनको गले लगा रहे हैं। ये भारत छोड़ो है कि भारत तोड़ो है? आदमी है। कौन बनेगा 2024 में प्रधानमंत्री? मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जी, मोदी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने काम कराया, काम करते रहेंगे ये। इन्होंने जो काम जो कभी 70 सालों में नहीं हुआ इन्होंने करके दिखाया है, जो कि कभी सपना हुआ करता था हमारा देश के लिए, इन्होंने देश को खुद जो मजबूत करा है, देश के हित में काम करा है, इन्होंने वो काम करे जो शायद ही किसी ने सोचे भी होंगे। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। वो लोग बेरोजगारी बोल रहे हैं जिनको कुछ कमाना खाना आते ही नहीं है, जो कमाना खाना चाहते ही नहीं है उनके लिए बेरोजगारी है। बता दीजिए मुझे एक शख्स खड़ा के बेरोजगार है, कोई बंदा बेरोजगार नहीं है, सबके घर में खा खा रहे हैं, लेकिन जिसको आलस है हराम की चीज़ है, जैसे केजरीवाल ने हराम की आदत डाल दी, अब क्या करेगा आदमी? दी तो बोलगा नहीं रोजगार नहीं है, बताइए रोजगार कहाँ नहीं है? दिल्ली की सड़कों पर हर रोजगार है, बिजनेस है, दुनिया गाड़ी चला रही है, सब काम कर रहे हो रहे हैं, किसी घर है सबका नहीं है, लेकिन भूखा नंगा वही है कह रहा है अपने आप को जो केजरीवाल की नीति पर चलना चाह रहा है, जो केजरीवाल ने नीति दे दी सबको। लेकिन राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भैया 24 में मोदी को हम उखाड़ फेंकेंगे सत्ता से। अरे ये क्या उखाड़ेंगे, खुद उखड़े पड़े ये 70 साल से, क्या करा इन्होंने, ये तो खुद उखड़ गए, ये उखड़ गए भाई, इनका बताओ गांधी खानदान कहाँ है, गांधी खानदान दिखाओ कहीं है, ये खुद झगड़ गए,
ये 12 जोड़ा, ये 12 जोड़ा बयान चला रहे हैं। भारत कहाँ टुकड़े पे था बता दीजिए मुझे, भारत वाले टुकड़े पे था जो आज जुड़ेगा? ये तो एक नौटंकी है, इनकी तो राहुल गांधी की एक नौटंकी है। ये पीएम तो क्या, मुझे लगता है किसी छोटे पद के लायक भी नहीं है। ये तो इतने सालों से कब्जा कर बैठे, दस पद के लिए तो उसके लायक भी नहीं थे। आप राहुल गांधी को इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे, क्या दिक्कत है? सीरियस कैसे ले रहे हो, खुद एक पप्पू भाई वो अपने आप को नहीं पता कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, उसे ये नहीं पता बोलता क्या हूँ। जिस आदमी को ये नहीं पता मैं माइक में बोल क्या रहा हूँ, वो देश को क्या संभालेगा? हमें देश को बर्बाद कोई करना है? जो आज हमारा देश कई विश्वगुरु माना जा रहा है या मोदी जी की शान रह दी है, किसी वजह से इज्जत है, इसके हवाले कर दिए तो फिर कमा देगा, सत्ता का जैसा बर्बाद कर दिया फिर बर्बाद कर देगा। अरे भैया बोल रहे हैं पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल सिलेंडर 1100 रुपए हो गए, सिलेंडर जा 12000 का जैसे मतलब नहीं है। देश भी तो मजबूत होना चाहिए ना, तो देश ही मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर का चार्ज डालेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूर्य बली यादव। कब से आप ऑटो चला रहे सर? हमें हो गया 42 साल। 42 साल ऑटो चला रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। दिल्ली की सड़कों पर? हाँ जी। कौन बनेगा 2024 पीएम? मोदी के अलावा कोई नहीं बनेगा। भैया मोदी के अलावा कोई? मोदी के ऊपर हमारी दया भी है, दुआ भी है, आशीर्वाद भी है और पूरा विश्वास है। अरे पेट्रोल का दाम बढ़ा, डीजल का दाम बढ़ा, बोले फिर मोदी बनने पर सबके लिए बढ़ा है, सबके लिए बढ़ा, हमारे देश सजा और कहीं बढ़ा है, हमारे यहाँ कम है। हाँ जी, पेट्रोल का आधे पड़ गई होती तो बताइए रोजगार गाड़ियों से वाहन रोड में दिखते आपको, पेट्रोल कीमत बढ़ गई होती, इतने वाहन चल रहे हैं आपने देखा, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, गाड़ियाँ जनसंख्या बढ़ी, आखिर कहाँ महंगाई होती तो इतनी होती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है। केजरीवाल एक बड़ा नौटंकी है, नौटंकी बाज है और नौटंकी करता रहेगा। ये महंगाई के नाम से विपक्ष हमेशा रोता रहेगा और पहले भी रोता था, आज भी रोएगा। कब तक मोदी को प्रधानमंत्री आप देखना? मोदी को हम जन्म जन्म देखना चाहते हैं, इनके सिवा किसी को चाहते ही नहीं हम। लेकिन कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली को नंबर वन बनाए, झूठा है, उधर फ्रॉड है। वो कट्टर ईमानदार कहाँ से हो गया? वो कट्टर ईमानदार कहाँ से, उधर फ्रॉड है नंबर का। केजरीवाल कट्टा बेईमान है, एक नंबर केजरीवाल कट्टा बेईमान है, कट्टा बेईमान है। अरे जनाब हम ऑटो वाले पे कहते बड़े ईमानदार की सवारी में गाली बकती है, पहले ऑटो वाले अपना बना के ऑटो वाले बुलाया, उधर ऑटो वाले सड़क से घर तक हम सवारी को पहुंचाते हैं, लेकिन सवारी वहां जाकर उसका लहजा बदल जाता है। तुम तो बड़े बेईमान हो, तुम तो पैसे फालतू मांग लिए, हमारे हमें ईमान। आपका क्या नाम हुआ सर? आपका परवान का मत है। कब से ऑटो चला रहे हो? हम 35 साल से चला रहा हूँ। कौन बनेगा 2024 पीएम? मोदी जी बनेगा, मोदी जी से कोई नहीं बन सकता है। क्यों मोदी के लिए इतना आप ऐसा खासियत और खुबियत है जो कि उनको सब देखना चाहता है, सब पसंद करता है। जो देश की बात करेगा वही देश में राज करेगा। क्या राहुल गांधी देश की बात नहीं करते हैं? क्या केजरीवाल देश की बात नहीं करते? नीतीश देश की बात नहीं करते? किस तरीके आप दिल्ली के घर घर जाइए, दिल्ली के घर घर मोहल्ले में जाइए, आप पूछिए जनता से, बता देगी दिल्ली वालों कितना बुरा हाल है, लालच में दिल्ली बर्बाद कर दी उसने। बताइए क्या नाम है? संजय कुमार। राहुल गांधी तो देश की बात करते हैं, राहुल गांधी को ये नहीं पता कि आटा किलो में आता है या लीटर में आता है। वो बोलते हैं कि 22 रुपए किलो लीटर आटा है। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता जो अन्न खाता है उसे अन्न का नहीं पता कि वो लीटर में मिलता है या किलो में मिलता है, तो वो क्या देश चलाएगा? उसको देश की नीतियों, इतने बड़े घर से खानदानी है वो और जेब फाड़ के कुर्ते की लाता बोलता है मेरी तो जेब फटी है, क्या तरीका है ये? भाई साहब युवा है, 12 जोड़ो या कपड़े फाड़ लूं, युवा तो कपड़े फाड़ लो उसको। आप युवा को नहीं देखना चाहते पीएम? युवा को नहीं देखना चाहते आप? किसको? आपको पीएम नहीं? ऐसा है युवा, एक मिनट सुनो, बात युवा की नहीं है, 55 साल के हो गए अभी युवा है। वो युवा कहाँ से हो गया? 55 साल की उम्र उसकी हो गई, हमसे भी बड़ा है वो, युवा कहाँ से हुआ? ठीक है, मोदी जी देश में अगर अच्छा काम कर रहे हैं, अगर मोदी जी देश में प्रधानमंत्री रहे हैं तो क्या बुराई है? कब तक चाहते हैं पीएम मोदी जी को? ये तो संगठन का मामला है, बीजेपी का मामला है, मोदी जी की इच्छा है। मोदी जी जब तक चाहेंगे, जब तक एक प्रोटोकॉल होता है पार्टी का भी उनका, तो जो पार्टी का प्रोटोकॉल है जिस तहत उस तहत जब तक वो रहना चाहे तो रह सकते हैं पीएम। लेकिन बार बार तो आरोप लग रहा है बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है साहब। बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती है, ये विपक्ष के लोग ही बीजेपी हिंदू मुस्लिम करते हैं। कौन बनेगा 24 में? मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे हमारे, फिर से मोदी जी आएंगे। हाँ मोदी जी आएंगे और 15 साल तक 20 साल तक कम से कम रहेंगे यहाँ प्रधानमंत्री। क्यों इतना का एक क्या वजह है? इसलिए कि इन्होंने काम करके दिखलाया है, वादा नहीं किया है, जो काम कहा है वो करके दिखलाया है।
और ऐसा कोई प्रधानमंत्री मतलब जो करके नहीं दिखाया है, सब लोग खाली वादा करके चले जाते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। ऑटो चला रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, आप बोल रहे हैं मोदी जी ही सही है। देश तरक्की कर रहा है तभी तो इतना महंगाई हो रही है, अगर तरक्की नहीं करता देश तो महंगाई कहाँ से होती। इतने हाईवे बन रहे हैं, इतना सब प्रगति मैदान का पूरा वो हुआ, नया पार्लियामेंट बना, आज देख लो इंडिया गेट का क्या पोजिशन है, पहले क्या हालत थी। ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने करके दिखलाया? ये मोदी जी ने करके दिखलाया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके बस का नहीं है, खाली ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के चक्कर में लगे हैं और बाकी इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है, ना और ना ये प्रधानमंत्री बन पाएंगे। क्या लगता है 24 में कौन आने वाला है? मोदी जी क्या वजह है? बढ़िया है, बहुत देश का सुधार है, कोई कमी नहीं है, ठीक है,